हेलो गाइस, मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ। अभी मैं पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस, अभी मैं बस में हूँ। मैं पूरी पिक्चर बाद में बताऊंगा। अभी बस में जाकर पकड़ने के लिए चिंगड़ कर रहे चिंगड़। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या। तो गाइस, मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं बस स्टॉप से बस पकड़ा, बस लिया और अभी डायरेक्ट फिर नागपुर पहुंचा। नागपुर से फिर मैंने एल आई सी चौक से फिर इधर मेट्रो का टिकट निकाला। अभी जा रहा हूँ खापरी, तो यहाँ के बहुत सारे है, तो मैं वहाँ पहुँचने के बाद आपको बताता पूरा सीरियसली क्या है विषय। तो लेकिन बाकी सब कुछ इधर जान दो, लेकिन मेरे को मज़ा क्यों आ रहा पता है क्या? अकेले में घूमने में क्या मज़ा है, लोग क्या ट्रैवल करते अकेले घूमने में, मेरे को समझ में आ रहा है अभी। तो दोस्तों, अभी नीचे जाने का रास्ता देख रहा हूँ, मिल तो रहा है हमें। अभी नीचे जाते हैं, फिर यहाँ से ऑटो पकड़ना है। जल्दी मिल जा रहे भैया। अभी यहाँ से ऑटो मिलना है। देखो ये है मेरा लगेज पूरा, ये मेरा अकेले का है यहाँ। अभी मैं यहाँ से ऑटो पकड़ूँगा फिर डायरेक्ट जाऊँगा। कहाँ, एक मिनट, कहाँ जाना है मेरे को, मैं भूल गया, ऐसा रहता भूल जाएगा थोड़ा बात करने में। मेरे को जाना है डीमार्ट, लास्ट डीमार्ट का, हाँ बेसा डीमार्ट की तरफ उधर जा रहा। फिर वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, वहाँ बड़ी मम्मी का घर है। बस पहुँचने के बाद आपसे बात करता, अब तक तो मेरे को बाकी का देखना है। चलो दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ, अबे बड़ी मम्मी का घर चलते। विशेष बड़े मम्मी निहालो, मी आलो म्हटल माझे लक्ष आहे का। तो पहले तो मैं रामटेक में रहता हूँ, ठीक है। रामटेक से मैं बस स्टॉप पे आया। बस स्टॉप पे मेरे को तीन की बस थी, लेकिन वो एक घंटा बहुत लेट हुई थी, 4 बजे है। 4:30 को मैं मंसर पहुँचा। वहाँ से फिर मंसर, मतलब मंसर एक गाँव है बीच में आता है, तो टर्निंग पॉइंट है। वहाँ से फिर नागपुर आया, नागपुर पहुँचा। नागपुर पहुँच के फिर LIC चौक है, मतलब LIC चौक से फिर सीधा मेट्रो पकड़ा। मेट्रो खापरा मैंने एक पर्ची फाड़ी, आपको दिखाया मैंने, इसे बता रहा हूँ। और अभी जस्ट मैंने वहाँ से नीचे उतरा मेट्रो स्टेशन से, वहाँ से मैंने पकड़ी रिक्शा, और रिक्शा से मैं डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। वहाँ से डायरेक्ट बता दिया उनको और वो सब कुछ एड्रेस, तो मैं पूछ चुका हूँ, आप देख सकते हो। और दीदी अभी थोड़ी बिजी है, क्योंकि दीदी को भी डांस पढ़ाना है, तो कोरियोग्राफर मैं उनको पढ़ाऊँगा, तो इसके लिए मैं बिजी रहूँगा। तो ब्लॉग आएंगे लेकिन थोड़ा टाइम, ठीक है। तब तक जो ब्लॉग आ रहे हैं उसको एंजॉय करो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अब्दुल्ला सो वॉचिंग, ठीक है। और वो समझे नहीं।